फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है इन अ मैट्रिक्स ए, उसके अंदर हमें 12 एलिमेंट्स दे रखे हैं जिसका ऑर्डर है 3 × 4, मतलब रो 3 और कॉलम 4। इसका पहला पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? रो इंटू कॉलम। रो कितनी है? R1, R2, R3, तीन रो। कॉलम C1, C2, C3 और C4, चार कॉलम हो गए। अब सेकंड पार्ट है इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जितने हमारे जो हमारा ऑर्डर है अगर हम उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, मतलब 3 × 4, 12। इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे 12। थर्ड पार्ट है राइट द एलिमेंट्स A1, 3। ये एक एड्रेस होता है मैट्रिक्स के अंदर, जैसे इसका नाम ए है तो फिर यहाँ A1, 3, या फिर ये इसे डिनोट करने का भी सिंबल कह देते हैं A1, 3। तो फिर ये जो वन है ये तो है रो और थ्री है ये कॉलम। A, Row 1, Column 3, Row 1, Column 3, मतलब कि 19th एलिमेंट जो एलिमेंट है वो 19। A21, Row 2, Column 1, Row 2, Column 1, मतलब एलिमेंट है 35। A33, Row 3, Column 3, एलिमेंट -5। A24, Row 2, Column 4, Row 2, Column 4, 12। A23, मतलब Row 2, Column 3, -5/2। फ्रेंड्स, ये हमारा लिखने का तरीका होगा कि हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे लिखेंगे। ये ऑर्डर Row 3, Column 4, या से ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 12, और ये जो एड्रेस दे रखा था वो जो हमारे पास एलिमेंट्स निकल के आए ये वो है। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कम हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 24, अब हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर निकालने कि हम इसे कितने टाइप्स में मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम ऑर्डर पॉसिबल निकालते हैं। जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होते हैं हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 12 = 24, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अभी हमने LCM निकाल लिया, तो अब हम इन जो ये नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये ऑर्डर निकाल लेंगे। ये हमारे पास टोटल 8 टाइप के ऑर्डर आएंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये जो पहले हमने कॉलम 1 2 3 4 लिए थे, उसके बाद हमने रो को 4 3 2 1 लिख लिया, मतलब अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो भी हमारे पास ऑर्डर निकल के आ जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 13 हो तो क्या होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 13 × 1। ये इंटू वन इसलिए हुआ क्योंकि ये 13 है, प्राइम नंबर है, ये किसी और के साथ इसका एलसीएम तो निकलेगा नहीं 13 और 1 के अलावा, तो अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते तो 13 × 1 आएगा। और जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया कि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ये 1 × 13 भी इसका एक ऑर्डर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। हमें दे रखा था कि जो हमारे मैट्रिक्स से एलिमेंट है वो है 18, तो हम 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास नंबर आते हैं 2 3 6 9 और 8 1। ये हमारे पास नंबर्स आ गए, अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ऑर्डर निकल के आ जाएगा जो कि 6 आएंगे, 6 ऑर्डर्स निकल के आएंगे, मतलब हम 6 टाइप से इस मैट्रिक्स को बना सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हो 18। अभी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो तो ऑर्डर निकल के आएगा 1 × 5 और 5 × 1। ये इसलिए निकल के आया क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और अगर हम उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास दो नंबर आएंगे 5 और 1, और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास ये ऑर्डर आएंगे 2। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स इक्वल टू एड्रेस है Aij, तो फिर हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये जो हमारे पास एड्रेस दे रखा है उसके हमें लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड कर रखे हैं 3। अगर हम इन इक्वेशंस में वो आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे ए मैट्रिक्स के। अब यहाँ आई और जे की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो मतलब कि यहाँ 1 और 2 मिनिमम वैल्यू होगी रो की 1 और मैक्सिमम होगी 2, ऐसे ही कॉलम की मिनिमम वैल्यू होगी 1 और मैक्सिमम होगी 2।
फोर्थ क्वेश्चन के पहले पार्ट में जो हमें वैल्यू गिवन है वो ये है, ए आई जे इक्वल टू लीनियर इक्वेशन है आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन टू। अब यहाँ आई और जे की वैल्यू आएगी वन और टू, मिनिमम वन और मैक्सिमम टू, मतलब कि पहले हम आई की वैल्यू वन लेंगे और जे की भी वन, फिर हम आई की वैल्यू वन लेंगे जे की टू, फिर आई की टू जे की वैल्यू वन, आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू वन, हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी फिर टू इंटू टू की, ये हमें आंसर में देना है। तो सबसे पहले ए वन वन मतलब आई भी वन और जे भी वन, अगर हम इन वन वन को एक इक्वेशन में पुट करते तो आएगा वन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू, वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर अपॉन टू था ये टू इंटू टू फोर, मतलब ये ए वन वन की वैल्यू होगी टू। अब ए वन टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब आई वन और जे टू, आई वन और जे टू, वन प्लस टू थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, ये टू डिवाइड था नाइन अपॉन टू, ए वन टू की वैल्यू, ए टू वन, आई टू जे वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन अपॉन टू आंसर, ए टू टू मतलब आई भी टू और जे भी टू, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन टू एट, ये ए टू टू की वैल्यू आ गई एट। अब हमने चार वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एड्रेसेस के जो गिवन थ्रू जो हमारी आई और जे की वैल्यू थी, तो फिर अब हम उन्हें पुट करेंगे। ए वन वन की वैल्यू आई थी हमारी टू, ए वन टू की वैल्यू आई थी नाइन अपॉन टू, ए टू वन की वैल्यू आई थी नाइन अपॉन टू और ए टू टू की वैल्यू थी एट, ये हमारे पास टू इंटू टू की एक मैट्रिक्स आ गई ए, यही हमें फाइंड आउट करना। सेकेंड पार्ट की जो इक्वेशन है ए आई जे एड्रेस की इक्वेशन है आई अपॉन जे, मतलब आई ऊपर और जे वन, और उन्हें सिंपली डिवाइड कर देंगे तो आई ए जे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले ए वन वन, आई भी वन और जे भी वन, वन अपॉन वन वन, ए वन वन की वैल्यू होगी वन, ए वन टू मतलब आई वन और जे टू, वन अपॉन टू ए वन टू की वैल्यू, ए टू वन आई टू जे वन, टू अपॉन वन आंसर टू, ए टू टू मतलब ऊपर भी टू नीचे भी टू, आई और जे दोनों जगह टू आएगा, डिवाइड करेंगे टू इंटू टू वन। अब हमारे पास ये चार वैल्यू आ गई, अब हम इन्हें मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। ये ए वन वन रो वन कॉलम वन वैल्यू है वन, वन पुट कर दी, ए वन टू रो वन कॉलम टू वैल्यू हाफ यहाँ पुट कर दी, ए टू वन रो टू कॉलम वन वैल्यू है टू यहाँ पुट कर दी, ए टू टू मतलब रो टू कॉलम टू वैल्यू वन यहाँ पुट कर दी, हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई टू इंटू टू ऑर्डर की। थर्ड एड्रेस की इक्वेशन है आई प्लस टू जे का स्क्वायर अपॉन टू, मतलब आई की वैल्यू नॉर्मल पुट करेंगे और जे की वैल्यू टू से मल्टीप्लाई करके पुट करेंगे, फिर उसका सम करेंगे आई के साथ, उसका स्क्वायर करके उसे टू से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ए आई जे की वैल्यू आ जाएगी। अब ए आई, आई की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है टू, मिनिमम हो सकती है वन, और जे की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम टू और मिनिमम हो सकती है वन। तो ए वन वन से शुरू करते हैं, ए वन वन मतलब आई वन जे वन, जे वन तो फिर वन इंटू टू टू, वन प्लस टू थ्री, यहाँ स्क्वायर था तो थ्री का भी स्क्वायर डिवाइड में टू था, नाइन अपॉन टू, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन अपॉन टू ए वन वन की वैल्यू, ए वन टू मतलब आई वन और जे टू, टू इंटू टू फोर, फोर फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ए वन टू की वैल्यू, ए टू वन मतलब आई टू और जे वन, टू इंटू वन टू और टू प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर टू प्लस टू फोर और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन टू एट, ये हमारे पास ए टू वन की वैल्यू, ए टू टू मतलब आई टू और जे टू, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स अपॉन टू, टू एटीन जा थर्टी सिक्स मतलब यहाँ आ जाएगा एटीन, एटीन किसकी वैल्यू होगी ए टू टू की। अब हम इन वैल्यूज़ को मैट्रिक्स में पुट करेंगे, ए वन वन की वैल्यू आई थी हमारे पास नाइन अपॉन टू, ए वन टू की ट्वेंटी फाइव अपॉन टू, ए टू वन की एट आई थी वो हमने यहाँ पुट कर दी, ए टू टू की एटीन वो हमने यहाँ पुट कर दी, हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई जो हमें चाहिए थी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूरा हो गया। जैसे हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन किया था, हमारे पास एड्रेस आई जे की वैल्यू एक इक्वेशन में गिवन थी, हमने आई और जे की वैल्यू पुट करी और एक मैट्रिक्स बना दी, वो थी टू इंटू टू ऑर्डर की, ये अब थ्री इंटू फोर ऑर्डर की। तो
तो फिर आइए अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इसके दो पार्ट हैं। जो हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है उसका ऑर्डर है 3 into 4, मतलब आई की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1। 1, 2 और 3 हम आई की वैल्यू पुट करेंगे और जे की मैक्सिमम हो सकती है 4, मिनिमम 1। 1, 2, 3, 4 हम जे की वैल्यू पुट करेंगे। पहले पार्ट की क्वेश्चन थी हाफ मोड के अंदर -3i + j। तो फिर सबसे पहले हम आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जे की भी 1, फिर आई की 1, जे की 2, जे की इंक्रीज करेंगे, जे की 4 के पहुंचने के बाद फिर हम आई को 2 करेंगे, जे को दोबारा 1 से 4 तक लेके आएंगे, फिर आई की 3 और जे की 1 से 4 हमारे पास फिर एलिमेंट्स आ जाएंगे 12। फिर हम उसे एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो सबसे पहले a11 फाइंड आउट करते हैं, मतलब आई 1 है और जे भी 1 है। आई 1 मतलब -3 into 1 -3, जे क्या है 1 + 1, -3 + 1 -2 हो जाएगा। ये मोड के अंदर है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में होंगे आपस में, तो फिर ये 2 into 2 कट जाएंगे और यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। ये a12 मतलब i1 और j2, यहाँ -3 into 1 -3 हो जाएगा और j की वैल्यू 2 आ जाएगी। -3 + 2 - 1, मोड के अंदर जो वैल्यू होती है वो बाहर पॉजिटिव बन के आएगी। 1 into -2 होगा हाफ, ये हाफ हो जाएगी a12 की वैल्यू। अब a13 मतलब i की वैल्यू 1, -3 into 1 - 3, j की वैल्यू 3, ये हमने पुट कर दी, -3 + 3 = 0, 0 into half 0। अब a14 मतलब कि i की वैल्यू 1, -3 into 1 - 3, 4 j की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, -3 + 4 = 1, 1 into half आंसर। a21 half, i की वैल्यू 2, -3 into 2 - 6, j की वैल्यू 1, -6 + 1 = half, मोड के अंदर -5, -6 + 1 होगा -5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो मोड के अंदर है वो बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। ऐसे ही अब 8, 2, 3 मतलब -3 into 2 - 6, j की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दी, -6 + 3 = 3, 3 into half 3/2। 8, 2, 2 half, -3 into 2 - 6 + 2, j की वैल्यू है यहाँ 2, -6 + 2 मोड के अंदर था तो फिर बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगा 4, वरना -6 + 2 होता है -4। ये 2 1 2 2 2 2 4, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2, 8, 2, 2 की वैल्यू 2। 8, 2, 4 मतलब एक आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4, -3 into 2 - 6, जे की वैल्यू 4, -6 + 4 - 2, मोड के बाहर आएगी वैल्यू तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा और हाफ उससे मल्टीप्लाई, मतलब 2 2 से कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1। a31 -3 into 3 - 9, जे की जगह 1, -9 + 1 ये हो जाएगा -8, ये -2, मोड के अंदर थी ये वैल्यू, ये बहार आएगी तो ये हो जाएगी 8/2, इसे हम अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा 4 आंसर, ये 4 वैल्यू आएगी a31 की। a32 मतलब 3 - 3 into 3 - 9, जे की वैल्यू 2, यहाँ 2 पुट कर दिया, -9 + 2 - 7, मोड के बाहर आएगा तो 7 into half 7/2 a32 की वैल्यू होगी। a33 i3 j3, -3 into 3 - 9, जे की जगह +3, -9 + 3 - 6, मोड के बाहर आएगा -6 तो +6 into half ये 3 आ जाएगा, 2 into 3 = 6 होता है कि 3 आ जाएगी। फिर a33 की वैल्यू, a34 i की वैल्यू 3, -3 into 3 - 9, 4 जे की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, -9 + 4 - 5 मोड के अंदर, अगर -5 मोड के बाहर आएगा तो +5 बन जाएगा जो हाफ से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर वैल्यू आ जाएगी 5/2। a34 की वैल्यू होगी 5/2। अब जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी है उसे इस ए मैट्रिक्स में हमने रख दिया, मतलब ये जो है एलिमेंट इसकी वैल्यू है a11 आया था हमारा 1, ये हमने यहाँ रख दिया, मतलब कि रो 1 कॉलम 1, a21 रो 2 कॉलम 1 5/2, रो 3 कॉलम 1, a33 की वैल्यू थी 4, a12 हाफ,
A22 की वैल्यू थी 2, यहाँ रख दी। A32, रो 3 कॉलम 2, वैल्यू थी 7/2। A13 वैल्यू थी 0, यहाँ रख दी। A23 वैल्यू थी 3/2। A33 वैल्यू थी 3। A14 हाफ वैल्यू थी, यहाँ रख दी। A21 वैल्यू 1। A34 वैल्यू थी 5/2, ये यहाँ रख दी। ऐसे करके हमने एक मैट्रिक्स बना ली A, जिसके अंदर एलिमेंट है 12 और ऑर्डर है 3×4, 3 रो 4 कॉलम। अब हमने 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट कर दिया, हमारी ये मैट्रिक्स बन गई जिसके 12 एलिमेंट थे, रो 3 और कॉलम 4, मतलब ऑर्डर 3×4। ऐसे ही जो हमारी सेकंड पार्ट है 5th क्वेश्चन का, वो भी ऐसे ही है, मतलब रो 3 कॉलम 4, इक्वेशन बदल जाएगी हमारी बस। तो यहाँ इक्वेशन है 2i-j, मतलब i की वैल्यू होगी मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1। ये मैक्सिमम मिनिमम ऐसे आ गया, ऑर्डर 3 था और ऑर्डर 3×4 था, मतलब रो 3 और कॉलम 4। तो फिर कॉलम आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। पहले हम i की जगह 1 रखेंगे और j की वैल्यू 1, 2, 3, 4। i की जगह 2, फिर j की जगह 1, 2, 3, 4। i की जगह 3 और j की जगह 1, 2, 3, 4। ऐसे करके हमारे पास 12 एलिमेंट आ जाएंगे, फिर हम उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले i की वैल्यू रखेंगे 1 और j की 1। ये A11, मतलब यहाँ 2×1 2-1, j की जगह 1, 2-1 1। A12 2×1 2-2, j की जगह 2 रखा है, 2-2 0। A13 2×1 2, j की जगह -3, 2-3 -1। A14 2×1 2, माइनस j की जगह 4, 2-4 -2। अब A21 2×2 4, माइनस j की जगह 1, 4-1 3। A22 2×2 4, माइनस j की जगह 2, 4-2 2। A23 2×2 4, माइनस j की जगह 3, 4-3 1। A24 2×2 4, माइनस j की जगह 4, 2-4 -4 0। A31 2×3 6, माइनस j की जगह 1, 6-1 5। A32 2×3 6, माइनस j की जगह 2, 6-2 4। A33 मतलब IB3 JB3 2×3 6, माइनस 3 इक्वल टू 3। A34 इक्वल टू 2×3 6, माइनस j की जगह 4, 6-4 2। यह हमने 12 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हम उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा A, जिसका ऑर्डर है 3×4, रो 3 कॉलम 4, रो R1 R2 R3 C1 C2 C3 और C4, जिसका R1 C1 मतलब A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 0, A13 की वैल्यू है -1, A14 की वैल्यू है -2, A24 की वैल्यू है 0, A23 की वैल्यू है 1, A22 की वैल्यू 2, A21 की वैल्यू 3। ऐसी A31 की वैल्यू है 5, A32 की वैल्यू है 4 और A33 की वैल्यू 3, A34 की वैल्यू है 2। ऐसे करके हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, 12 एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर ऑर्डर 3×4। तो फिर ये हमारा 5th क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियोज़ के।